Hello students, I welcome you all in Sri Ram Academy. As today we are going to start our new chapter, explanation of our next chapter, which is adjudged report of an adjudged case, chapter 7. Okay, before starting the lesson I would like to discuss you guys a statement discuss a statement with you guys, that is yes, due to this pandemic we are sitting at home, but sitting at home or staying at home, we should not allow our studies to stay. मतलब हमें घर पर भी रहना है मगर पढ़ाई पर बिल्कुल फोकस करके रखना है. So with this quote I will start our chapter, which is report of an adjudged case, chapter 7. Before starting this lesson, let us shortly get introduced by our writer. हमारे writer जिन्होंने ये lesson लिखा है, who is William Cowper. Okay, I have added a slide of his picture. Just have a look on her. He is William Cowper, a very prominent writer of our English literature. So William Cowper was a poet who qualified as a lawyer. His legal career was interrupted by an attack of madness. When he recovered his mental health, he retired to the country where he lived a quiet life. He wrote the famous hymn, "Hark my soul, it is Lord, and God moves in the mysterious way." His admirable letters show his gentle and human personality. He wrote poetry in a simple and gentle style. Okay, so he is who? He is a qualified lawyer before, but due to some reasons he also suffered attack of madness, but after recovering his madness ये एक लॉयर थे और इनको बाद में मैडनेस का, एक पागलपन का अटैक भी आया, बट ही सून रिकवर्ड विद हिज मेंटल हेल्थ. उन्होंने उससे रिकवरी करी एंड आफ्टर दैट ही स्टार्टेड हिज राइटिंग करियर. और उनकी जो फेमस पोएट हैं, यू कैन हैव अ लुक ऑन इट, यहाँ पर लिखी हुई हैं दो. और उनकी जो मेन फेमस हिम्स थी वो कौन थी? हार्क माई सोल एंड इट इज़ लॉर्ड एंड गॉड मूव्स इन अ मिस्टीरियस वे. These two are the most important contribution of him. Okay, so next, moving forward in the lesson, so let's just introduce by the title of the poem also. कि report of an adjudged case का क्या मतलब है? कि ये जो एक case है, this is strange kind of case. So अब वो क्या होता है? डिक्लेरेशन की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे कि ये जो केस है ये एडजस्ट है, टू बी डिक्लेयर. ये ऐसा केस है जहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल है ये जानने के लिए और ये चीज़ डिक्लेयर करने के लिए, स्टेट करने के लिए, साफ साफ कहने के लिए कि अगर नाक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या नाक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या आइज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. किस चीज़ के लिए? स्पेक्टिकल्स के लिए. अब दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल पोएम रिटन बाय विलियम कोपर, जिसमें इन्होंने ये बताया है दैट वी ऑल्सो इन आवर डेली लाइफ डू सच काइंड ऑफ थिंग्स. हम लोग भी अपनी डेली लाइफ में ऐसी चीज़ें करते हैं कि ओनरशिप के लिए लड़ते हैं या झगड़ा करते हैं. बट द फैक्ट इज़ कि इफ वी आर फाइटिंग फॉर एनी ओनरशिप, किसी ओनरशिप के लिए अगर वी आर फाइटिंग, हम फाइट कर रहे हैं, तो ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी कि वो जो चीज़ है उसमें हर इंसान का अधिकार है. जैसे कि अपन बोलें कि हम ये नहीं कह सकते दैट एयर, हम सांस ले रहे हैं तो हवा सिर्फ हमारी है. तो इस तरीके की भी, सिर्फ इस तरीके की सिचुएशन इस लेसन में देखने को मिलेगी. सो प्रोसीडिंग ऑन विद द समरी, लेट अस जस्ट टॉक अबाउट फर्स्ट व्हाट हैव बीन डिस्क्राइब्ड ब्रीफली इन द पोएम. ओके, here it is written, in this poem Cowper has used the language and the background of the courtroom to provide humorous effects. A strange dispute arises between the nose and the eyes, both claiming their sole right over the spectacles. The tongue acted as a lawyer and the ear as a chief baron to balance the laws. ab isme characters ko samajhna bahut hi aasan hai ki दो कैरेक्टर्स हैं जो सबसे मेन कैरेक्टर्स, वो हैं नोज एंड आइज. ये दोनों क्लेम कर रहे हैं, जिन्होंने केस फाइल किया है, दे आर क्लेमिंग उनका सोल राइट यानी जन्मसिद्ध अधिकार है स्पेक्टिकल्स के ऊपर. अब वो नोज कह रहे हैं कि हमारा अधिकार है स्पेक्टिकल्स के ऊपर, एंड द आइज आर ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग. ओके, सेकेंड,
द टंग एक्टेड एज अ लॉयर, इसमें टंग जो है उसने लॉयर का काम किया है, एंड द ईयर एज द चीफ बैरन टू बैलेंस द लॉज, और ईयर जो है वो चीफ बैरन यानी सुनने वाले जज बने हुए हैं. ओके सो ओके सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोयम. बिटवीन नोज एंड आईज अ स्ट्रेंज कॉन्टेस्ट अरोज, द स्पेक्टिकल सेट देम अनहैपली रॉन्ग, द पोएट इन डिस्प्यूट वॉज एज ऑल द वर्ल्ड्स नोज टू विच द सेट स्पेक्टिकल्स ऑट टू बिलोंग. ओके तो नोज इन द फर्स्ट लाइन इट इज रिटन कि बिटवीन नोज एंड आईज, नोज और आईज के बीच में एक बहुत ही स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मीन्स अनयूजुअल, बहुत ही अनयूजुअल यानी अतरंगी, एक बहुत ही अतरंग सा अटपटा सा कॉन्टेस्ट दोनों के बीच में हुआ. एंड वॉट वॉज द कॉन्टेस्ट, द स्पेक्टिकल सेट देम अनहैपिली रॉन्ग. जो मेन जो कॉन्टेस्ट था, एक कॉम्पिटिशन था दोनों के बीच में, वो एक चीज़ को लेकर के था और वो थी स्पेक्टिकल्स. स्पेक्टिकल्स थी जो उन लोगों को थोड़ा दुखी कर रही थी और वो स्पेक्टिकल्स थी जिनकी ओनरशिप उन्हें सता रही थी. द पॉइंट इन डिस्प्यूट वॉज एज ऑल द वर्ल्ड नोज, और जो पॉइंट ऑफ द डिस्प्यूट यानी जो मेन अपन बोले बोन ऑफ कंटेंशन यानी जो मेन मुद्दा था वो ये था, वो डिस्प्यूट वो विवाद ये था, दैट ऑल द वर्ल्ड नोज टू विच द सेड स्पेक्टिकल्स ऑट टू बिलोंग. अब स्पेक्टिकल्स जो हैं वो किसको बिलोंग करती हैं, दैट वॉज द मेन टॉपिक एंड दैट वॉज द बोन ऑफ कंटेंशन. वो एक बात था जिसको लेकर के वो दोनों लड़ रहे थे. द नोज वॉज सेइंग कि वो ये स्पेक्टिकल्स मेरे ऊपर रखी जाती हैं इसलिए वो मेरी हैं, और ईयर कह रही थी कि नहीं, आईज कह रही थी कि नहीं मैं इनसे देखती हूँ इसलिए वो स्पेक्टिकल्स मेरी हैं. ओके सो फ्रॉम द सेकेंड पैरा, Now have a look on second para. So tongue was the lawyer and argued the case with a great deal of skill and a wig full of learning. Okay. So tongue जो है वो क्या करती है कि lawyer का काम करती है और इस case में arguments यानी कि जो अपन कहते हैं बातें रखना, वो तर्क वितर्क जो है वो tongue करती है. With a great deal of skill and a wig full of learning. अब as we all know that tongue जो है वो क्या काम करती है, tongue का काम है लर्न करना, चीज़ें लर्न करना. ओके सो विद द ग्रेट स्किल, विद द ग्रेट डील ऑफ स्किल, उसके पास स्किल्स हैं इस चीज़ के कि हाँ वो लर्न करती है, तो उसके पास वर्ड्स हैं, शी कैन स्पीक, तो इसीलिए उसको लॉयर बनाया गया है. तो विद अ ग्रेट डील ऑफ स्किल एंड अ विग फुल ऑफ लर्निंग व्हाइल चीफ बैरन ईयर सेट टू बैलेंस द लॉज. ओके तो अब टंग जो है वो बनी हुई है लॉयर, क्योंकि उनके पास स्किल्स हैं, उनके पास लर्निंग है, और चीफ बैरन बने हैं ईयर क्योंकि उन्हें सुनना पसंद है. तो जैसे ईयर, एज वी ऑल नो दैट ईयर जो है वो सुनने का काम करता है, तो चीफ बैरन बन रहे हैं यहाँ पर ईयर, जो सारे तर्क वितर्क यानी दे द ईयर इज गोइंग टू लिसन ऑल द डिस्कशंस एंड ऑल द आर्ग्यूमेंट्स, आफ्टर दैट द ईयर विल डिसाइड दैट हु इज अ विनर. ओके सो So famed for his talent in nicely discerning. Okay. So इसीलिए जाना जाता है. So famed का मतलब होता है, famed means होता है सम्मान, है ना. तो किस चीज़ को लेकर के ear का सम्मान है, ear का सम्मान है चीज़ें सुनने को लेकर के, ear का काम ही है सुनना, तो इसलिए वो chief baron बन रहे हैं और उनका जो सम्मान सुनने को लेकर के है वो यहाँ पर भी बरकरार रहेगा. In behalf of the nose, it will. Okay. So this is third para. Okay. Have a look properly. ठीक है. In behalf of the nose, it will quickly appear and your lordship, he said, will undoubtedly find that the nose has had spectacles always in wear. In behalf of nose, it will quickly appear. अब behalf of nose के behalf में जो बात रखी गई वो क्या थी, and your lordship, he said, will undoubtedly find that the nose has had spectacles always in wear. तो वो बताती है, tongue कहती है कि जो नोज है, अगर हम ध्यान दें इस बात पर, इफ़ वी आर गोइंग टू लुक ओवर इट, तो हमें ये पता चलेगा दैट नोज हैज़ हैड स्पेक्टिकल्स ऑलवेज इन वेयर. मतलब जो नाक है, जो नोज है, वो हमेशा स्पेक्टिकल्स को पहन करके रखती है. ऑफकोर्स वो पहन करके रखती है, अगर नाक नहीं होगी एंड वी आर गोइंग टू वेयर स्पेक्टिकल्स तो क्या होगा, नाक नहीं है तो गिर जाएगी नीचे, ऑफकोर्स. तो दैट द नोज दैट हैड स्पेक्टिकल्स ऑलवेज इन वेयर, विच अमाउंट्स टू पोजिशन टाइम आउट ऑफ माइंड. ओके
क्या है, विच अमाउंट्स टू पोजेशन, टाइम आउट ऑफ माइंड. ये पोजेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर के संवेदनशीलता जताना. मीन्स हम लोग देखते हैं प्रोनाउन में भी पजेसिव प्रोनाउन आता है, और पजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है ओनरशिप बताना. ठीक है, तो पोजेशन का क्या मतलब हुआ कि हाँ, नोज को हम कह सकते हैं, स्पेक्टिकल्स जो हैं वो नोज को बिलोंग करती हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो नोज है उसके ऊपर ही स्पेक्टिकल्स को रखा जाता है, एंड ड्यू टू दिस द पोजेशन यानी द ओनरशिप ऑफ स्पेक्टिकल्स कैन बी ऑफ नोज. यानी अगर हम इस चीज़ को ध्यान पर रखें तो बिल्कुल ईयर की, स्पेक्टिकल्स की जो ओनरशिप है वो हम दे सकते हैं नोज को, क्योंकि वो हमेशा पहन करके रखती है. ठीक है, फिर क्या होता है, विच अमाउंट्स टू पोजेशन, टाइम आउट ऑफ माइंड का क्या मतलब हुआ कि जो चीज़ ये बताती है कि हाँ, ये पोजेशन यानी ये ओनरशिप जो है वो नोज की होनी चाहिए. सो नाउ लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड एंड हैव अ लुक ऑन नेक्स्ट पैराग्राफ. हाँ, देन इट इज रिटन इन नेक्स्ट पैराग्राफ, देन होल्डिंग द स्पेक्टिकल्स अप टू द कोट योर लॉर्डशिप ऑब्जर्व्स दे आर मेड विद अ स्ट्रैडल. तो अब वो कहते हैं कि आपको होल्डिंग द स्पेक्टिकल्स अप टू द कोर्ट, मतलब क्या है कि अब वो स्पेक्टिकल्स को कोर्ट के सामने पेश किया जाता है. ये बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन इसमें है पोएम में. सो अब हम स्पेक्टिकल्स को कोर्ट के सामने पेश करते हैं. योर लॉर्डशिप ऑब्जर्व्स दे आर मेड विद अ स्ट्रैडल. वॉट इज स्ट्रैडल? स्ट्रैडल जो है वो एक ब्रिज है ना. ब्रिज कौन सी? जो अपने नाक के ऊपर स्पेक्टिकल्स, व्हेन वी यूज टू पुट स्पेक्टिकल्स इन अवर आईज, वी ऑब्जर्व कि सामने नाक के ऊपर एक छोटी सी ब्रिज टाइप की स्ट्रैडल रखी होती है, विच इज स्ट्रैडल. तो कहते हैं कि एज अ वाइड एज ब्रिज ऑफ द नोज इज इन शॉर्ट डिजाइंड टू सिट क्लोज टू इट जस्ट लाइक अ सैडल. ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग हियर कि अब उसको स्पेक्टिकल्स को कोर्ट के सामने पेश किया जाता है, और हमें ये पता चल रहा है कि इसमें ये जो स्ट्रैडल बना हुआ है, स्ट्रैडल ये इसका जो मेन काम है वो नाक के ऊपर ही रहना है. तो इस हिसाब से अगर नोज नहीं होगी तो स्ट्रैडल नहीं होगा, स्ट्रैडल नहीं होगा तो फिर चश्मा भी नहीं हम पहन पाएंगे, स्पेक्टिकल्स भी नहीं पहन पाएंगे. तो ये चीज़ होती है. फिर नेक्स्ट पैरा में, अगेन वुड योर लॉर्डशिप अ मोमेंट सपोज इट्स अ केस दैट हैज़ हैपेंड एंड मे बी अगेन. तो अब वो कहते हैं कि एक पल के लिए, जस्ट फॉर अ मोमेंट, सपोज टंग कहती है कि एक मोमेंट के लिए हम ये सपोज करते हैं, दिस इज़ अ केस दैट हैज़ हैपेंड एंड मे बी अगेन, कि अगर आज हम इस चीज़ को क्लियर नहीं करेंगे कि बिलोंगिंग ये जो स्पेक्टिकल्स की है वो किसकी है, नोज की है या आइज की है, तो आगे जो है फ्यूचर में वी विल बी गेटिंग एंड गेटिंग दिस टाइप ऑफ केस एंड दिस काइंड ऑफ केसेस इन अवर फ्यूचर. तो आगे वो मिलते ही जाएंगे और दोबारा भी ऐसा हो सकता है. दैट द वाइसेज और काउंटेंस हैड नॉट अ नोज. अब प्रे हु वुड और हु कुड वेयर स्पेक्टिकल्स देन. तो लास्ट की दो लाइन्स में देखिए, हैव अ लुक ऑन सेकेंड पैराग्राफ ऑफ दिस पेज. ये इसमें आपके लास्ट के दो लाइंस में क्या लिखा हुआ है, दैट द वाइसेज और काउंटेंस हैड नॉट अ नोज, प्रे हु वुड और हु कुड वेयर स्पेक्टिकल्स देन. अब वाइसेज का क्या मतलब होता है? वाइसेज का मतलब होता है लिटरली अ पर्सन फेस, मतलब चेहरा, इंसान का फेस. और दूसरा काउंटेनेंस का क्या मतलब होता है? फेशियल एक्सप्रेशन. तो क्या कहते हैं कि इफ दैट द वाइसेज और काउंटेंस हैड नॉट अ नोज, अगर इस फेस में नोज नहीं होती, इफ इस मुखड़े के पास में एक नाक नहीं होती, तो बताइए प्रे हु वुड और हु कुड, कौन होता और कौन पहन पाता स्पेक्टिकल्स अगर उनके पास नाक नहीं होती, क्योंकि नोज इज एक्टिंग एज अ स्ट्रेडल, ब्रिज की तरह काम करती है स्पेक्टिकल्स को रखने के लिए. ऑन द होल इट अपियर्स एंड माई आर्ग्यूमेंट शोज विद अ रीजनिंग द कोर्ट विल नेवर कंडेम दैट द स्पेक्टिकल्स प्लेनली वर मेड ऑफ द नोज एंड द नोज वॉज प्लेनली इंटेंडेड फॉर दैम. और इसी तरीके से ऑन द होल सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इट अपियर्स ऐसा समझ में आता है एंड माई आर्ग्यूमेंट शोज और मेरे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो भी ये बताते हैं विद द रीजनिंग द कोर्ट विल नेवर कंडेम
दैट द स्पेक्टिकल्स प्लेनली वर मेड फॉर द नोज. तो ये टंग की डायलॉग्स हैं. कहती है कि ऑन द होल सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये समझ में आता है, और ये आर्ग्यूमेंट्स भी शो करते हैं दैट विद द रीजनिंग द कोर्ट विल नेवर कंडेम. और ऐसा रीजन भी मैंने दे दिया है जिसको कोर्ट खारिज नहीं कर सकता, उसको कंडेम नहीं कर सकता है, राइट. तो विद द रीज़न, विद द प्रॉपर आर्ग्यूमेंट और सारी चीज़ों को नज़र पे रखते हुए हम ये समझते हैं और इस नतीजे पर पहुँचते हैं दैट द स्पेक्टिकल्स प्लेनली वर मेड फॉर द नोज एंड द नोज वॉज प्लेनली इंटेंडेड फॉर दैम. कि ये जो स्पेक्टिकल्स हैं वो प्लेनली मेड फॉर नोज, वो नोज़ के लिए ही बने हुए हैं, एंड ये जो नोज़ है वो भी स्पेक्टिकल्स के लिए बनी हुई है. फिर नेक्स्ट पैरा हैव अ लुक ऑन सेकेंड लास्ट सेकेंड पैरा. यस, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा आप लोग को कि वो लास्ट में कहती है कि आर्ग्यूमेंट्स मैंने जो रखे हैं उन सबको नज़र रखते हुए और सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जिसको कोर्ट भी खारिज नहीं कर सकता, ऐसी मैंने तर्क वितर्क की है यहाँ पर. तो इससे ये पता चलता है कि नोज़ ही जो है वो स्पेक्टिकल्स के लिए बनी है और स्पेक्टिकल्स जो है वो नोज़ के लिए बनी है. देन शिफ्टिंग इन हिज साइड एज अ लॉयर नोज़ हाउ ही प्लीडेड अगेन इन बिहाफ ऑफ द आईज. अब क्या है, अब अपनी साइड को शिफ्ट करती है क्योंकि लॉयर एक ही था, टंग बस था, है ना. तो अब अपनी साइड को नोज की तरफ से हटा करके वो आईज की तरफ रखती है, ठीक है. तो शिफ्टिंग हिज साइड एज अ लॉयर नोज हाउ, उसे पता है क्योंकि वो लॉयर है तो शी कम्प्लीटली नो इट दैट हाउ शी हैव टू चेंज हर साइड, और किस तरीके से उसको साइड बदल करके दूसरी तरफ से भी आर्ग्यूमेंट्स रखने हैं. तो ही प्लीडेड अगेन इन बिहाफ ऑफ द आईज बट वॉट वर हिज आर्ग्यूमेंट्स फ्यू पीपल नो फॉर द कोर्ट डिड नॉट थिंक दे वर इक्वली वाइज. ओके, सो नाउ अब क्योंकि ज़्यादातर इसने जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स वर मेड इन अ साइड ऑफ नोज, नोज की साइड में ज़्यादातर बता दिए गए हैं. तो यहाँ पर ये है कि बट व्हाट वर द आर्ग्यूमेंट्स फ्यू पीपल नो, अब वो आर्ग्यूमेंट्स आईज की तरफ से क्या देगी, ये कुछ लोग ही जानते हैं. फॉर द कोर्ट डिड नॉट थिंक दे वर इक्वली वाइज, तो ऐसा जो है जब वो रीज़न बताएगी तो ये समझ में आएगा कि दोनों जो हैं वो किस तरीके से वाइज है, इन दोनों में से कौन है जो ओनर है, कौन है जो डिजर्व करता है. सो ही लॉर्डशिप डिक्रीड विद अ ग्रीव सॉलेम टोन डिसीसिव एंड क्लियर विदाउट वन इफ और बट दैट वेन एवर द नोज पुट अप हिज स्पेक्टिकल्स ऑन बाय डे लाइट और कैंडल लाइट आई शो बी शट. ओके, सो नाउ व्हाट हैपन, हैव अ लुक ऑन लास्ट टू लाइन्स, सॉरी लास्ट पैरा फर्स्ट लाइन. ओके, तो वो कहते हैं कि चलिए अब सारी चीज़ें टंग ने कह दी कि ये चीज़ें हैं. अब कोर्ट का टाइम था, फॉर द कोर्ट डिड नॉट थिंक दे वर इक्वली वाइज. अब कोर्ट का ये मानना था दैट बोथ ऑफ देम कैन नॉट बी इक्वली वाइज, दोनों जो है इतने वाइज हैं ही नहीं. तो मैं जो निर्णय सुनाऊंगा, यानी ईयर जो निर्णय अब देने वाले थे, जो कोर्ट का निर्णय था, वो बड़ा ही फनी और बड़ा ही प्यारा था. सो हिज लॉर्डशिप डिस्क्रीड विद द ग्रेव सॉलेंट टोन, तो वो कहते हैं कि चलिए जो हमारा निर्णय है, जो डिसीजन है, विच इज़ बहुत ही डिसिसिव और बहुत ही डिस्क्रीट, ग्रेम सोलम टोन, बहुत ही धीमी सी आवाज़ में और बुलंदी सी धीमी सी आवाज़ में और बड़े सरल स्वभाव में और साफ साफ कहा कि बस एक ही अब डिसीजन है जो सही होगा, बिना किसी इफ और बिना किसी बट के. कहते हैं दैट वेन एवर द नोज पुट अप हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, कि जब भी नोज अपने स्पेक्टिकल्स पहनेगी, क्योंकि ज़्यादा जो परला भारी है वो किसकी तरफ था, नोज़ की तरफ, क्योंकि नोज़ है जो स्ट्रेटल रखता है, नोज़ है जिसके कारण हम रख पाते हैं स्पेक्टिकल्स को, अदरवाइज वी कैन नॉट पुट ईजिली स्पेक्टिकल्स ऑन आवर फेस. तो जब ऐसा है तो ठीक है, चलो ये जो जब भी ये जो भी स्पेक्टिकल्स हैं जिसकी बिलोंगिंग को लेकर दे आर फाइटिंग, एक ही रीज़न है और एक ही डिसीजन है जो सही होगा कि दैट वेन एवर द नोज पुट हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, जब भी नोज अपने स्पेक्टिकल्स को पहनता है, वेन एवर द नोज पुट हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, जब भी नोज अपने स्पेक्टिकल्स पहनेगा बाय डे लाइट और कैंडल लाइट, चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो, आईज शुड बी शट. ओके, तो आँखें जो है वो बंद हो जाएंगी. मतलब कि अब आँख बंद करके कोई चश्मे क्यों पहनेगा, सिंपली. तो ये एक बड़ा ही वाइज सा डिसीजन था जो कोर्ट ने दे दिया था कि ठीक है, नोज जो है वो बिलोंगिंग उसकी ज़्यादा है, उसको ज़्यादा
ओनरशिप उसकी ज़्यादा है स्पेक्टिकल्स में, लेकिन बस एक ही काम करना पड़ेगा अब ये निर्णय है कि अब जब भी अब से जब से भी नोज वेन एवर नोज इज गोइंग टू पुट हिज स्पेक्टिकल्स ऑन हिज आईज द आई शुड बी शट. जब भी स्पेक्टिकल्स पहनेगा नोज अपने तभी आँखों को बंद हो जाना होगा. तो ये बहुत ही फनी और बहुत ही ट्रिकी वे में, बहुत ही वाइजी वे में एक्सप्लेन किया गया है ये चैप्टर को, और बहुत ही वाइजली इन्होंने डिसाइड भी किया कोर्ट ने कि ये डिसीजन होगा. दिस वॉज द चैप्टर. होप यू गाइज एंजॉयड इट अलॉट. एट द एंड आई वुड लाइक टू से कि क्योंकि वी हैव टू ऑल्सो प्रैक्टिस फॉर दी एक्सट्रैक्ट. यू गाइज नो कि हमारे एग्जाम्स में, टेंथ एम पी बोर्ड एग्जाम में एक्सट्रैक्ट सॉल्विंग आती है, काफ़ी ज़्यादा पैसेज आते हैं पोएम्स में. फॉर दिस यू आर हैविंग अ सिंगल एडवाइस कि जो भी लेसन या वो जो भी पोएम आई एम एक्सप्लेनिंग यू, द पोएम विच हैज़ बिन एक्सप्लेन्ड टू यू, एक बार आप अपनी बुक में जाएँ और उसको अंडरलाइन करें, जो भी वर्ड के मीनिंग्स नहीं आ रहे हैं खुद से उसको दो तीन बार रिवाइज करें, सो दैट यू कैन easily find out each answer from the extract. Okay, this will help you a lot if you are going to study it harder. जो भी poem explain की जाए just go once and read it by yourself two or three times. फिर उसके बाद में उसकी जो भी word meanings हैं, hard words हैं, just have a look on it also. फिर उससे आपको आगे जा कर के बहुत ही ज़्यादा benefit होगा. Thanks a lot. Good luck students. Have fun and also study hard.